वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेंटिंग एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। रंगों की दुनिया किसे अच्छी नहीं लगती, हर कोई रंगों का दीवाना है। बचपन में लाल, नीले, पीले रंग तक सीमित रहने वाला रंगों का ज्ञान आगे चलकर टील, टर्कोइस, मजेंटा, मरून तक एक्सप्लोर होता रहता है। किंडरगार्टन के बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन, रेकग्निशन धीरे धीरे सिखाते हैं। कलरिंग या पेंटिंग एक्टिविटीज के जरिए ये नॉलेज बहुत आसानी से दिया जा सकता है। पेंटिंग एक्टिविटी एक फन एक्टिविटी भी है। इसमें स्ट्रेस फ्री माहौल में बच्चे कलर्स को एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का इम्पोर्टेंस है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में अलग अलग रंग एक दूसरे में मिलाकर नए कलर कॉम्बिनेशंस बच्चे बनाते हैं और मिश्र रंगों की उनको पहचान हो जाती है। बच्चों को पेंट ब्रश का होल्ड आसानी से नहीं आता, तब उनको डैबिंग एक्टिविटीज के जरिए पेंटिंग कराई जा सकती है। डैबिंग एक्टिविटीज में स्पॉन्ज डैबिंग, फ्लावर डैबिंग, सिल्वर फॉइल डैबिंग और पेपर डैबिंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं। सभी से एक खुरदरा पैटर्न पेज पर बन जाता है। डैबिंग एक्टिविटीज के बाद स्टैंपिंग एक्टिविटी भी बहुत पॉपुलर है। वेजिटेबल स्टैंपिंग हम सभी जानते हैं, जैसे भिंडी या अनियन के स्टैम्प्स लेना, साथ ही साथ पोटैटो में अलग अलग शेप्स कार्व करके डिपिंग के जरिए पेंट का इम्प्रेशन पेज पर लेना। ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को बहुत आनंद दिलाती है। स्प्रे पेंटिंग में हम झाड़ू के बाल या पत्तों की टहनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थाली में रंग फैलाकर ये नेचुरल पेंट ब्रश उसमें भिगोना है और पेज पर उसे झटकना है, उससे स्प्रे जैसा एक पैटर्न पेज पर बन जाएगा। लीफ प्रिंटिंग ये भी एक अच्छा पर्याय है। हर पत्ते के टेक्सचर के अनुसार उस पर रंग फैलता है, इसीलिए एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल करना भी असरदार होगा। लीफ प्रिंटिंग में छोटे बड़े अलग अलग आकार के पत्ते लेकर हम बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में हम प्लास्टिक शेप्स, फोक या प्लास्टिक बॉटल कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किसी भी रैंडम शेप के अंदर इन ऑब्जेक्ट से आउटलाइन प्रिंट लिया जा सकता है और एक पैटर्न बनाया जा सकता है। फिंगर प्रिंटिंग या हैंड प्रिंटिंग भी बहुत पॉपुलर है। हाथों के प्रिंट से बहुत सारे इमेजेस बनाए जा सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, डायनासोर या फ्लावर वास। हाथों पर रंग देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ईयरबड्स का गुच्छा बनाकर या सिंगल ईयरबड लेकर भी पेंटिंग कराई जा सकती है। ये ईयरबड रंगों में डुबोकर उसके डॉट्स बच्चों को पेज पर या किसी इमेज आउटलाइन पर देने के लिए बताना है। इससे उनकी फाइनर मोटर स्किल्स डेवलप होगी, उसी के साथ एक अच्छा पेंटिंग उन्होंने बनाया है इसका अनुभव भी उनको आएगा। ये थी कुछ पेंटिंग एक्टिविटीज जो बच्चे बहुत मजा लेकर कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार ऐसी एक्टिविटी बच्चों से करा लेनी चाहिए। आपके अनुभव मेरे साथ आप जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।